की खाद्यान्न से भरा पिकअप वाहन बेलढाना से देवरी नगर के लिए जाते समय अनियंत्रित होकर सड़क किनारे कीचड़ में धंस गया। वाहन में शासन से गरीबों को मिलने वाला निःशुल्क चावल, जिसकी 13 बोरियां और ज्वार की 24 बोरियां रखी हुई थी, उसे बाद में दूसरे वाहन में शिफ्ट करने के दौरान पुलिस मौके पर पहुंची। मीडिया के दखल के बाद पुलिस ने वाहन के साथ सामान जब्त किया। देवरी के ग्रामीणों ने कई बार राशन न मिलने की शिकायत दर्ज कराई थी। यहां के राशन विक्रेता राशन को गरीबों में बांटने की बजाय खुलेआम कालाबाजारी कर रहे हैं। थाने जो देवरी थाना है वहां पर खड़ा हुआ मेरा, जिसमें जांच में पाया गया कि सारे 13 बोरी जो थी चावल की थी और 24 बोरी थी वो ज्वार की थी। वो शासकीय बारदाने में थी, उसमें मध्य प्रदेश सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन की सील लगी हुई थी। सारी की सारी बोरियां सिली हुई पाई गई थी, तो बारदाना तो शासकीय था जो मतलब वहां पाया गया था थाने पर। मौके पर जो वहां ड्राइवर थे, जो पिकअप के जो वाहन चालक थे, उनसे संपर्क किया गया, उनसे भी पूछताछ कर कथन लिए गए, तो उनके द्वारा भी जानकारी दी गई, परंतु उनको ये जानकारी नहीं थी कि कहां से आ रहा है खाद्यान्न। और उनको ये जो था मतलब खाद्यान्न बेलढाना के पास प्राप्त हुआ है, तो ऐसी जानकारी अग्री है कि संभवता हो सकता है कि वो बेलढाना सोसाइटी से। अभी क्या सोसाइटी का रिकॉर्ड का अभी आवंटन वगैरह की जानकारी निकाली।